आपने कभी ये सोचा है कि पावर लिफ्टर्स की बॉडी बिल्डर्स जितनी बॉडी नहीं होती? क्योंकि मैंने सोचा है, और अगर आपको अभी नहीं पता है कि बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स में फ़र्क क्या है, तो ये रही दोनों टाइप के एथलीट्स की फ़ोटोज़ ताकि आप कंपेयर कर सको। जय हिंद, नमस्ते, मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि पावर लिफ्टर्स की बॉडी बिल्डर्स जितनी बॉडी क्यों नहीं होती, हालांकि वो बॉडी बिल्डर से बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत रिपीटेडली आता है जिम्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑफ इट, सो हेयर इट इज़। और अगर आपको अभी तक बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स में फ़र्क नहीं पता चला है, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पावर लिफ्टर्स होते हैं वो लोग जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन में कम्पीट करते हैं, जैसे WWE वाला मार्क हेनरी, फिर एक दूसरी टाइप की भी पावर लिफ्टिंग होती है जिसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टिंग होती है ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स में। अगर आप ओलंपिक गेम्स देखते हो, जितने भी वो वेट लिफ्टर्स होते हैं, दैट इज़ द स्पोर्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग। और उन लोगों की भी बॉडी बिल्डर्स जितनी बॉडी नहीं होती। और बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करते हैं, जैसे आर्नोल्ड, फिलीत वगैरह वगैरह, या जो भी इंसान जिम जाता है अपनी मसल्स को बड़ा करने के लिए, ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। विल नाउ अनाउंस द विनर ऑफ द ओलंपिया एंड न्यू मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करेन। तो नाउ योर बेसिक्स आर क्लियर। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि बॉडी बिल्डर्स की बॉडी पावर लिफ्टर्स और वेट लिफ्टर्स से ज़्यादा की होती है, हालांकि ये लोग कम वेट उठाते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ द डाइट। सो डाइट इज़ हाउ जो बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर की बॉडी में डिफरेंस है वो आता है। वी विल गेट टू दी वाई लेटर। जहाँ बॉडी बिल्डर्स एक मैक्रो फोकस्ड डाइट यानी अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट इनटेक को मद्देनजर रख के अपनी एक डाइट बनाते हैं और फॉलो करते हैं, वहीं पर पावर लिफ्टर्स का एक ही गोल होता है, वो होता है कि अपनी डेली कैलोरिक गोल को अचीव करना। तो वो अपने मैक्रोस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। द सेकेंड इज़ कार्डियो। चाहे आप जैसी मर्जी डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर आपका गोल है मसल या स्ट्रेंथ को पुट ऑन करना, तो आपकी डाइट के थ्रू आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं फैट ज़रूर पुट ऑन होगा। बॉडी बिल्डर्स इस एक्सेस फैट को दूर करने के लिए HIIT ट्रेनिंग और कार्डियो का यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पावर लिफ्टर भाई लोग जो अपने मोटापे को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाते हैं। सो द नंबर थर्ड इज़ डिफरेंट ट्रेनिंग अप्रोचेस। तो जो पावर लिफ्टर्स होते हैं ना, वो अपनी ट्रेनिंग में सेट्स ज़्यादा लगाते हैं और रेप्स कम लगाते हैं, जैसे मैक्सिमम वो 3 से 5 रेप लगाते हैं। और ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही है अगर आपका मेन गोल है स्ट्रेंथ गेनिंग। और दूसरी तरफ हैं बॉडी बिल्डर्स जो अपनी ट्रेनिंग में हाई रेप्स यूज़ करते हैं, हाई रेप्स यानी 12 से 15 रेप्स, और वो अपनी ट्रेनिंग में एडवांस ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे इंट्रा सेट स्ट्रेचिंग, ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स, ताकि उनकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्ड हो और उन्हें मसल पम्प ज़्यादा अच्छे आएँ। इस ट्रेनिंग अप्रोच में ना बहुत सारे सब हेडिंग्स भी हैं, जैसे द फर्स्ट इज़ एडवांस ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, जहाँ बॉडी बिल्डर सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, BFR वगैरह यूज़ करते हैं, पावर लिफ्टर्स ऐसा कुछ नहीं करते। सेकेंडली द यूज़ ऑफ मशीन्स। आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स बहुत सारी मशीन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो चेस्ट ट्रेनिंग के लिए हो, बाइसेप ट्रेनिंग के लिए हो। तो आजकल जितने भी जिम्स हैं, बेसिकली दीज आर बॉडी बिल्डिंग जिम्स। तो जो पावर लिफ्टिंग जिम्स होते हैं ना, दोज आर बेसिकली वेरी बेयर बोन, तो उनमें ज़्यादा मशीन्स नहीं होती। जो पावर लिफ्टर्स हैं दे बेसिकली यूज़ बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, फार्मर्स वॉक जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेस टू गेन स्ट्रेंथ। द फोर्थ एंड द फाइनल डिफरेंट डी डेज। यहाँ पे डी डेज का मतलब है द फाइनल शो डे, एंड दिस इज़ वाई बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स की बॉडी में इतना फ़र्क होता है। तो जो बॉडी बिल्डर्स का डी डे होता है ना, वहाँ पे उनको कपड़े उतार के स्टेज पे जाके अपनी मसल साइज और डेफिनेशन दिखानी होती है। और दूसरी तरफ है पावर लिफ्टर्स। पावर लिफ्टर्स की हार और जीत उनकी स्ट्रेंथ और पावर पे डिपेंडेंट है, तो वो पूरे कपड़े पहन के, बॉडी सूट पहन के अपने डी डे को टैकल करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ना पावर लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स को कंपेयर करते हैं, बट आई फील दिस इज़ नॉट अ फेयर कंपैरिजन। दिस इज़ लाइक कंपेयरिंग अ मसल कार विद अ पिकअप ट्रक। बोथ आर ग्रेट बट बोथ आर मेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर कौन है। दिस इज ऑल फ्रॉम मी दिस टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, जय श्री राम।